मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्लास नाइन्थ साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे हैं चैप्टर नंबर एक। सवाल जवाब हम देखेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के। पहला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन है, 573 केल्विन है, इसको हम सेल्सियस पे कैसे चेंज करेंगे? तो आपको सिंपली करना क्या है, इनमें से 273 को माइनस कर देना है। 300 को 273 से माइनस करेंगे तो 27 आएगा, 573 को माइनस करेंगे 273 से तो 300 आएगा। अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। अब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में चेंज करने के लिए जो हमने यहां पर किया था इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। यहां से 273 माइनस किया था तो अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को करना है इसमें कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 298 और 646 आ जाएगा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसके रीजन देने हैं, नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम। नेफ्थलीन बॉल को अगर आप कहीं रखेंगे तो वो समय के साथ हवा हो जाएगी, सॉलिड से डायरेक्ट हवा हो जाती है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अगर कहीं परफ्यूम छिड़का गया है तो बहुत दूर भी आप उसको महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो पहले का जवाब यह है कि ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है नेफ्थलीन बॉल, यानी कि जो नेफ्थलीन बॉल है उसकी इवोपरेशन, वो जो भाप बनती है, वो नेफ्थलीन बेसिकली डायरेक्टली भाप में चेंज हो जाता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, और इसलिए ये डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम बगैर किसी सॉलिड का रिमेन छोड़े हुए। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। अगर हम बहुत दूर हैं तो कैसे हमको खुशबू आ जाती है? जो परफ्यूम्स है उनको इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें जो कंटेंट होता है वो बड़ी तेजी से वेपराइज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इसके वेपर्स है, क्योंकि वेपराइज बहुत जल्दी हो रहा है, वो एयर के थ्रू, हवा के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि डिफ्यूज होते हैं और हवा जो है वो तो बहती है, और वो जो बहती है तो हमारे जब नाक में पहुंचती है वो, और हम स्मेल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहां से खुशबू आ रही है। और इन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, इनको आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुगर रखेंगे, फिर वाटर, ऑक्सीजन। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ये जो ऑर्डर है ये है जो इनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, फोर्स क्या है अट्रैक्शन का। अगला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दीस, ये टेम्परेचर है आपका। तो पानी इन टेम्परेचर पे उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? 25 डिग्री पे तो ये लिक्विड रहता है, 0 डिग्री पर ये सॉलिड भी होता है लिक्विड भी होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे पानी बर्फीला होने लगता है, इसलिए इसमें सॉलिड कंटेंट आ जाते हैं। अगर 100 डिग्री की बात करें तो ये लिक्विड तो होता ही है 100 डिग्री पे, और साथ में वेपर भी होता है। कैसे, अगर आप एग्जांपल दूं, आप पानी को उबालते हैं, इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे जब ये 25 पे पहुंचेगा, वैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, अगर आप जैसे किसी हिंदुस्तान की बात करें तो आपको नॉर्मल गर्मी के समय आपको 30 तक टेम्परेचर मिलेगा। अब उस समय तो पानी ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे और देखेंगे 100 डिग्री पे पहुंचता है तो आप देखेंगे उसमें से भाप निकलती है, तो उसी भाप को हम वेपर कह रहे हैं, और लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है उस समय। लेकिन 0 डिग्री अगर इस पानी को हम फ्रिज में रख दें तो आप देखेंगे कि सॉलिड भी होगा और हल्का हल्का आपको लिक्विड भी दिखाई देगा। थोड़ा और टेम्परेचर नीचे जाएगा तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो जाएगा। आपको दो रीजन देने हैं ताकि आप जस्टिफाई कर सकें, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर जो होता है ये किस समय लिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंटार्कटिका चले जाएं तो रूम टेम्परेचर क्या होगा, और अगर आप हिंदुस्तान में आ जाएं या फिर ऐसे एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में आ जाएं जहां पर आपको थोड़ा सा 30, जैसे मैंने आपको बताया 30 डिग्री करीब आपको मिले, तो क्या होगा? तो पहले इसको समझते हैं कि जो वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है क्योंकि इसमें फ्लूडिटी होती है, बहने की क्षमता, इसको हम फ्लूडिटी कहते हैं, और इसका प्रॉपर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक इसका वॉल्यूम होगा
लेकिन इसका शेप नहीं होता है, यार शेप नहीं। दूसरी जो जस्टिफिकेशन हमें देनी है कि आयरन अलमीरा, लोहे का जो आपकी अलमारी है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर। अगेन वही डिस्कशन चलेगा हमारा रूम टेम्परेचर का। तो वो सॉलिड इसलिए होती है क्योंकि इस समय ये बड़ी रिजिड होती है और इसका प्रॉपर शेप होता है, यानी कि जो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्ट है और प्रॉपर शेप बना के रखा है उन्होंने। अगला सवाल है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? आइस इस टेम्परेचर पे क्यों ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए, बनिस्बत की वाटर जो इसी टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो? उसका उत्तर ये है कि जो जो आइस होता है बर्फ 273 केल्विन पे, वो कम एनर्जेटिक होती है पानी से, इसमें एनर्जी कम होती है। तो क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो पानी में मौजूद है इसी टेम्परेचर पे, तो डिफरेंस है एक, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है पानी में बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण जो एक्स्ट्रा एनर्जी है पानी में वो कम होती है आइस में 273 केल्विन पे, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अगर आपके हाथ में गर्म पानी, खौलता हुआ पानी गिरा और कहीं स्टीम के उसमें आ गए, आप कॉन्टैक्ट में आ गए, ज्यादा बर्न यानी कि कहते हैं ना लोग कि जल गया, जलना ज्यादा किस में महसूस होता है? स्टीम और पानी में स्टीम ज्यादा सीवियर बर्निंग सेंसेशन आपको देगा। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन क्योंकि ये सवाल है इसका जवाब इस तरीके से होगा। और इसका कारण क्या है? क्योंकि स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर से, जो पानी बॉइल हो रहा है और जो स्टीम बन चुका है, स्टीम में ज्यादा एनर्जी है क्योंकि यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करता है। क्या काम करता है? लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण वेपर फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में जो पानी बन गया है उसमें ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा घातक है क्योंकि उसमें मूवमेंट ज्यादा है। नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट स्टेट। तो ए बी सी डी ई एफ के बारे में हम बताएंगे। ए, ये आपका ए है, मेल्टिंग स्टेट सॉलिड है आपका। सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट होगा तो क्या होना चाहिए? मेल्ट होता है सॉलिड से लिक्विड, ये आपका मेल्टिंग हो रहा है यहां से यहां तक। अब आप बी की बात करें तो लिक्विड से आप गैस बना रहे हैं, इसका मतलब बॉइल हो रहा है यहां पे। आप सी की बात करें जो गैस से लेकर लिक्विड, मतलब गैस से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसका मतलब आप कंडेंस कर रहे हैं, तो सी होगा कंडेंसेशन। फिर लिक्विड से आप सॉलिड बना रहे हैं, इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि सॉलिड बन रहा है इसमें। ई की बात करें, सॉलिड से सीधा आप गैस में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ई, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और एफ की बात करें तो आप गैस से सीधा सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये डिस्कशन हुआ सवाल जवाब का इस टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।